हे गाइस, आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज से हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं डे वन ऑफ बीच बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे इस ट्रांसफॉर्मेशन को मुझे फॉलो करें, एक मेरी मोटिवेशन बने। सो सबसे पहले उठकर मैंने अपना पहले दिन का फास्टेड वेट चेक किया जो कि था 76.4 किलोस। यहाँ से मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरा बॉडी वेट फैट लॉस और वेट लॉस कितना हो रहा है, बिकॉज हमारा जो गोल है वो है फैट लॉस रैदर देन वेट लॉस। सो उसके बाद हमने फास्टेड कार्डियो अपना मैं स्टार्ट करने चला गया। देखो, फास्टेड कार्डियो से पहले अगर आप चाहें तो आप थोड़ा सा ग्लूटामाइन या फिर आप BCAAs ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ओवरऑल कैलरीज मैटर करती हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप फास्टेड कार्डियो नहीं करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा कुछ भी ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि उसमें मीठा ना हो। स्टीविया आप यूज़ कर सकते हैं एंड देन आप कार्डियो कर सकते हैं आफ्टर हाफ एन आवर, कुछ खाने पीने के हाफ एन आवर आप कर सकते हैं, बिकॉज पूरे दिन की कैलरीज डेफिसिट मैटर करेगी, ना कि आपका सुबह का फास्टेड कार्डियो अकेला। सो इसके बाद मैंने अपना फास्टेड कार्डियो को स्टार्ट किया। अब मेरे कार्डियो में क्या होता है कि मैं 40 मिनट्स का कार्डियो करता हूँ, जिसमें मैं 10 मिनट हाई इंटेंसिटी पे रखता हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मेरी पिट्यूटरी ग्लैंड से जो ग्रोथ हार्मोन है वो रिलीज हो, मेरा मेटाबॉलिज्म थोड़ा फास्ट हो और मेरा ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी हेल्दी हो। हमारा गोल है कि फैट लॉस के साथ साथ ओवरऑल लॉन्जिविटी के लिए भी हम कार्डियो को ध्यान में रखकर हम कार्डियो कर रहे हैं। 10 मिनट का हाई इंटेंसिटी स्प्रिंटिंग मैं करूँगा बीच में, और 20 मिनट का मैं मीडियम इंटेंसिटी रखूँगा, और 10 मिनट का मैं लो इंटेंसिटी जो कि है सिंपल डिस्क वॉकिंग में रखूँगा। सो 40 मिनट का कार्डियो होगा। इसके बाद फिर हम अपने एप्स की तरफ आएंगे। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को पिन पॉइंट करना चाहूँगा कि अगर आप बिगनर्स हैं, आप कार्डियो स्टार्ट कर रहे हैं, तो कभी भी आपने हाई इंटेंसिटी कार्डियो नहीं करना है, बिकॉज आप देख सकते हैं कि जब भी कोई भी लोग हाई इंटेंसिटी एकदम वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, ट्रेडमिल में एकदम फास्ट रनिंग स्टार्ट करते हैं, वो बहुत बड़ा रीज़न होता है आपके हार्ट फेलियर का। यस, बिकॉज आप न्यूज़ आजकल देख रहे हैं कि ट्रेडमिल में लोगों की बहुत ज़्यादा डेथ हो रही है, यही रीज़न है कि लोगों का बिना स्टैमिना और एंड्योरेंस बिल्ट हुए वो हाई इंटेंसिटी ट्रेडमिल करने लग पड़ते हैं। ऐसा आपने कभी नहीं करना है, आपने हमेशा लो टू मीडियम इंटेंसिटी करना है। कम से कम 30 डेज़ के लिए आप लो इंटेंसिटी प्लस मीडियम इंटेंसिटी पर आप वर्कआउट करें, उसके बाद जब आपका स्टैमिना बिल्ड हो जाए तब आप उसको ट्रेडमिल की स्पीड को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही ट्रेडमिल करने के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, अकेला फैट लॉस नहीं, इससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो आपका हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जो 200 ग्राम पर नैनोलीटर के से अगर ख़राब है, उससे नीचे है, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। हमारी आर्टरीज की क्लॉग्ड कैल्सीफिकेशन को वो दूर करता है, आर्टरीज में जो कैलकोलेस्ट्रॉल जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ करता है उसको इम्प्रूव करता है, प्लस हमारी लीवर फैटी लीवर के प्रॉब्लम्स को भी ठीक करता है। बिकॉज मेडिसिन से ज़्यादा आपकी बॉडी खुद डिटॉक्स करेगी आपकी आप बॉडी को। इसके बाद हमने अपने अपर एब्स और लोअर एब्स को ट्रेन करना स्टार्ट किया। सो अपर एब्स में है हमारा डिक्लाइन क्रंचेस, ये वन ऑफ द बेस्ट ऑन पेपर मोस्ट अफेक्टिव एक्सरसाइज है आपके अपर एब्स को बिल्ड करने के लिए, प्लस इसके साथ मैंने डिक्लाइन साइड क्रंचेस को भी ऐड किया। उसके बाद फिर हम लोअर एब्स की तरफ गए, तो लोअर एब्स में मैंने घर पर ही मैंने इसका थोड़ा सा जुगाड़ लगाया हुआ है, वहाँ पर मैंने हैंगिंग लेग रेजेस लगाए। इसके इन दोनों एक्सरसाइज के मैंने 25 रेपिटेशंस ऑफ 4 से 5 सेट, मींस 100 रेपिटेशंस मैंने दोनों चीज़ों की एक्सरसाइज लगाई, बिकॉज अगर आप कार्डियो कर रहे हैं, अगर आप एब्स नहीं ट्रेन कर रहे हैं तो एब्स आपके वेल डिफाइंड नहीं होंगे, एब्स भी एक मसल है, तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन के लिए अगर आप रियली अपने एब्स को थिक मोटा, अगर आप मोटे एब्स चाहते हैं तो आपको एब्स को ट्रेन करना पड़ेगा, पूरा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो एब्स दोनों लगाने के बाद ये है मेरी फर्स्ट डे की बॉडी की कंडीशन। आप देख सकते हैं कि मेरी अभी बॉडी फैट परसेंटेज 15% है। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये बॉडी फैट परसेंटेज मेरी कम है, लेकिन नहीं, बॉडी फैट परसेंटेज हमेशा हमें खुद से कम लगती है, लेकिन होती ज़्यादा है। सो अभी मैं 15 to 16 डाइटिंग के साथ थोड़ी एक्सरसाइज के साथ ये डिफाइन हो जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब मैं कैलोरी डेफिसिट जाऊँगा। एंड इसके बाद फिर हमने सबसे पहले अपना फर्स्ट मील कंज्यूम किया, जो फर्स्ट मील था वो था हमारा ओट्स विथ 25 ग्राम्स ऑफ वे प्रोटीन। ये एक बहुत ही फाइबरस मील है, लो कार्ब मील है और हाई प्रोटीन मील है। इसको कंज्यूम ये इजीली फास्ट डाइजेस्टिंग भी होता है, फास्ट डाइजेस्टिंग होता है बिकॉज हमारी बॉडी बहुत स्टार्वेशन मोड में होती है इस वक्त। सो 10 मिनट के रेस्ट के बाद मैंने इस मील को कंज्यूम किया। इसके बाद हम चले गए गुरुद्वारा माथा टेकने, बिकॉज मेरा हमेशा ये मानना, चाहे हम एग्ज़ाम दे रहे हैं या इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फैट लॉस भी कर रहे हैं, तो सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वापस आकर किया मैंने ऑफिस का काम, कुछ क्लाइंट्स को ईमेल्स की, कुछ जूम मीटिंग्स की अपने बॉस के साथ। तकरीबन 3:30 तक काम करने के बाद मैंने अपना लिया दिन का दूसरा मील, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मील है। इसमें मेरी मील में है 150 ग्राम चिकन, 100 ग्राम चावल और 50 ग्राम वेजीज। इसके साथ मैंने दही में थोड़ा सा ब्लैक
ब्लैक पेपर और मैंने नमक डाला। ब्लैक पेपर डालने का पर्पस ये होता है कि ये आपकी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है, आपके गट इश्यूज़ को ठीक करता है, बिकॉज इसमें एंटी माइक्रोबियल और एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके बाद शाम को प्री वर्कआउट में मैं सिर्फ एक बनाना लेता हूँ, बिकॉज ये थोड़ा फास्ट डाइजेस्टिंग होता है और इसमें सबसे बड़ी मात्रा में पोटेशियम होता है जो कि एनर्जी देता है, अच्छा पंप देता है। मैं ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता हूँ, मैं ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन नहीं लेता हूँ, बिकॉज मैं अपनी बॉडी में जो स्टोर फैटी एसिड्स हैं उनको यूटिलाइज़ करता हूँ वर्कआउट के लिए। इसके बाद हम जल्दी अपने वर्कआउट कर लें। वर्कआउट में सबसे पहले आज चेस्ट का वर्कआउट होगा, सो इसमें मैं सबसे पहले फ्लाइज का मूवमेंट करूँगा। फ्लाइज में मैं हमेशा केबल फ्लाइज लगाता हूँ, बिकॉज ये टाइम अंडर टेंशन के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है। जब आप नेगेटिव रेप्स लगा रहे होते हैं तो ये आपके कांस्टेंट टेंशन रखती है आपके अपर चेस्ट मसल्स में। 15 रेपिटेशंस को मैं हिट करता हूँ, टारगेट करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं पूरा स्क्वीज करूँ और पूरा कॉन्ट्रैक्ट करूँ ताकि मेरी अपर चेस्ट अच्छी तरह से डेवलप हो, बिकॉज हमें बहुत सारे लोगों की तरह मेरी भी 90% अपर चेस्ट वीक थी, लेकिन इस एक्सरसाइज से मेरी काफ़ी अपर चेस्ट में इंप्रूवमेंट आई है। इसके बाद दूसरा सेट होता है मेरा, इसी बेंच पे मैं इंक्लाइंड प्रेस लगाता हूँ। मैं बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने नेपल एरिया से 1 इंच ऊपर आपने पोजीशन रखनी है ताकि आपके अपर पैक्स में प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन आए, बिकॉज ये अपर चेस्ट को लगाने के लिए आपने प्रॉपर इसका टेक्निक और प्रॉपर फॉर्म और पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी बैक को ऊपर उठा सकते हैं, देखो जैसे मैं उठा रहा हूँ, बिकॉज ये आपकी चेस्ट को अप रखती है। सो 10 से 12 रेपिटेशन स्क्वीज करके प्रॉपर अपने वेट के हिसाब से आपने लगाना है। उसके बाद थर्ड एक्सरसाइज आती है हमारी डिक्लाइन डंबल प्रेस। देखो अगर आप भारी चेस्ट हैंगिंग चेस्ट चाहते हैं तो डिक्लाइन डंबल प्रेस एक फॉरगॉटन एक्सरसाइज है, बहुत सारे लोग नहीं लगाते हैं, अवॉइड करते हैं। सो इस एक्सरसाइज को आप लगाएं, डंबल के साथ लगाएं, कोशिश करें कि आप प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन में पूरा ऊपर और पूरा नीचे तक जाएं, और जितने रैप आप खींच सकते हैं इसमें मैं थोड़ा सा हैवी जाता हूं, बिकॉज मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा अपनी स्ट्रेंथ को भी बिल्ड करूं। सो 10 से 12 रेपिटेशंस हैवी आप इसको लगाएं। नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है केबल क्रॉस। देखो चाहे आप गेनिंग कर रहे हैं या कटिंग कर रहे हैं, केबल क्रॉस हमेशा वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज रहेगी आपकी ओवरऑल चेस्ट डेफिनेशन के लिए। प्रॉपर रेंज और प्रॉपर फॉर्म में लगाएं। बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने बैक को रोल करते हैं, अपने शोल्डर से वेट को खींचते हैं, इसमें आपने ध्यान रखना है स्लो एंड कंट्रोल लगाना है। 15 रेपिटेशंस आप इसके लगा सकते हैं, 4 सेट आप इसके लगाएं। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे गया हमारी, जो है मेरी बोथ मास बिल्डर और स्ट्रेंथ बिल्डर डिप्स। डिप्स एक बहुत ही ओवरऑल चेस्ट के लिए अच्छी एक्सरसाइज है। देखो इसमें आपने ध्यान रखना है कि हमें पूरा नीचे आना है, पूरा ऊपर जाना है। अगर आप हाफ नीचे जा रहे हैं तो इसका मतलब आप स्ट्रांग नहीं है, सिंपल सी बात है। वर्कआउट करने के बाद हम गए चिकन लेने, बिकॉज रात को मैं चिकन और राइस एक अपना टिपिकल मसल बिल्डिंग मील रखता हूँ। एक आपको मैं टिप दे रहा हूँ कि जब भी आप चिकन लेने जाते थे अपना रेफरेंस रखें कि आपके लिंक अगर अच्छे हैं तो आप फ्री रेंज चिकन रखें या फिर फार्म चिकन लें, बिकॉज जो केज्ड चिकन होता है जिनको पिंजरे में चिकन्स को रखा जाता है उनका कॉर्टिसोल लेवल बहुत हाई होता है। कॉर्टिसोल लेवल हाई होने की वजह से उनकी मीट की क्वालिटी बहुत कम हो जाती है। सो कोशिश करें कि आप चिकन बेस्ट लें, एक अच्छा फार्म चिकन लें। तो रात का मील भी मेरा सेम था, इसमें मैंने थोड़ा सा सोया न्यूट्री ऐड की प्लस चिकन राइस वेजीज एंड मैंने दही को ऐड किया। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।